नमस्कार दोस्तों मैं उमेश कुमार कुशवाहा एक बार फिर से ए, कुछ दिन हो गया क्योंकि मैं ट्रेनिंग में व्यस्त था इसमें मैं वीडियो नहीं ला पाया जैसे आज मेरा कहने का मतलब है ट्रेनिंग के दौरान चर्चा किया तो बहुत सारे से, ऐसा भी समझ में आता आता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं बैच में जिनके पास कोई संसाधन नहीं है वो बकरी पालन का यानी कि वो साधन नहीं है जिसके दम पर वो बकरी पालन कर पाएँ और वो ट्रेनिंग लेते हैं और बाद में वो जाकर बकरी पालन करते हैं तो बाद में उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि आज के समय में दोस्तों बहुत तरह के वीडियो यूट्यूब पे है या फिर मेरा भी है बहुत लोगों का है तो जिसमें बहुत सारे लुभावने होते हैं बातें कि बकरी पालन इन्होंने दस से शुरू किया था और इनके पास आज जितना है और इतना इन्होंने कमाया तो ये वीडियो देख बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं भी ये काम करूँगा तो चूँकि बेरोज़गारी है और हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो लोग सोच लेते हैं कि मैं भी बकरी पालन करूंगा और इससे पैसे कमाऊंगा। जो कि अच्छी बात भी है लेकिन मेरा कहना है मेरे भाई की उनका आपने वीडियो देखा है लेकिन अंदर की बात आप पूरी रूप से शायद नहीं जान पा रहे हैं बकरी पालन में मेरा कहने का मतलब है कि बाकी व्यवसाय से बकरी पालन थोड़ा सा हट के है क्योंकि बकरी तो आप पालन कर लेंगे लेकिन उनका जो व्यवस्था होता है जिसे मेरा कहने का मतलब है कि बकरी वैसे चराई पे रहने वाली पशु है तो यदि आपके पास चराई युक्त साधन है एरिया है जहाँ खुला एरिया है जहाँ आप बकरियों को चरा पाएँ तो बहुत आपके लिए आसान होने जा रहा है बकरी पालन तो उसके लिए आपका खुला एरिया होना चाहिए इतना जगह होना चाहिए आपके एरिए में जहाँ बकरियों को चरा पाएँ यानी बकरी पालन आपके लिए फिर आराम होने वाला आसान होने वाला है लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग के पास बकर चरायुक्त भूमि नहीं है जैसे मेरे पास भी नहीं है तो जिनके पास चराायुक्त भूमि नहीं है वो भी बकरी पालन कर सकते हैं बसरते उनके पास साधन होने चाहिए साधन के मतलब है कि बकरियाँ तो खाएगी तो उनको खाने के लिए बिल्कुल चाहिए कोई ऐसा नहीं है वैकल्पिक व्यवस्था तो कोई अच्छा सा आपको निकालना होगा जैसे बकरी अगर आप पालन करने जा रहे हैं तो आपके लिए तभी सफलता आपको बकरी पालन में मिल सकता है जब आप किसान हों किसान हों या फिर आपके एरिया में किसान लोग हों जहाँ खेती वगैरह होता हो और सबसे बढ़िया तो तब होगा जब आप खुद खेती कर पाएँ जैसे बकरियों के लिए हरा चारा उगा पाएँ हरा चारा में बहुत सारे हरे चारे होते हैं जो सीजन के अनुसार बकरियों को खिलाया जाता है जैसे अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है तो इस समय आप जौ लगा सकते हैं खेतों में जौ लगा के बकरियों को खिला सकते हैं बरसीम लगा सकते हैं बरसीम भी लगा के बकरियों को खिला सकते हैं और सुपर नेपियर भी बो सकते हैं नेपियर में बहुत सारे वैरायटी है नेपियर में वो आप लगा सकते हैं जिससे बकरियों को आप खिला सकते हैं जिससे बकरियों को खिला के आप आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं और सूखा चारा जो दलहनी चारे होते हैं वो आपके एरिए में होने चाहिए और कम से कम इतना अरेंज में होना चाहिए जहाँ से आप ला पाएँ। तो ये सभी व्यवस्था हो तो ही बकरी पालन में आए अन्यथा लुभावना वीडियो देखकर कर यूट्यूब पर मेरा हो या किन्हीं का हो तो बस एक मूड बना बना लेना कि मैं बकरी पालन कर लूँगा तो ये आपके लिए दिक्कत भी हो हो सकता है बाद में जो आपका जमा पूंजी है वो आपका डूब सकता है होता क्या है कि आदमी सोचता है कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ ये आदमी का सोच रहता है तो आप भाई मेरे कुछ भी कर सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल आप कर सकते हैं लेकिन साधन तो होने चाहिए साधन नहीं रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे तो साधन हो तो ही बकरी पालन के क्षेत्र में आए और नहीं तो जो साधन जिस बिजनेस का व्यवसाय का आपके एरिया में अवेलेबल है उसी में अपना स्कोप आपको तलाशना है और जब आप ए, सारा साधन आपके पास हो और जब आप बकरी पालन करने के लिए सोच लिए हैं और साधन भी हो तो आप प्रोपर जानकारी लेकर आए बकरी पालन में प्रॉपर जानकारी लेकर आए क्योंकि जब बकरियों को आप घनत्व में रखते हैं ज़्यादा संख्या में बकरियों को आप रखते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या आपके पास आता ही है जैसे बहुत सारे बाड़े में आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं मेरे बाड़े में भी बच्चे होते हैं या जो भी बकरी पालन कर रहे हैं उनके पास तो मेमने आएंगे ही आएंगे क्योंकि मेमना ही कमाई है तो मेमना बचाना मेमने ज़्यादा संख्या में मेमना है बाड़े में उनको बचाना टाइम टू तो टाइम दूध पिलाना वो भी एक परेशानी है कम है आपको करना होगा आपको मेमने को समय से दूध पिलाना उनको छोटी मोटी होने वाली परेशानी बीमारियों के बारे में जानकारी रखना बकरियों में होने वाली परेशानियों के बारे में जानना और उनका घरेलू उपचार जानना फास्ट एड इलाज करने आना जाना मानी शुरुआती इलाज जो हो सकता है आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में डॉक्टर को आप नहीं बुला सकते क्योंकि आप बुलाएंगे तो डॉक्टर एनी टाइम आपके लिए खाली बैठे हुए नहीं हैं तो शायद समय पर नहीं आ पाएँ तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तो यदि बकरी पालन करने का आपने मूड बना लिया है तो सबसे पहले आपको कहीं से ट्रेनिंग लेना है यानी जानकारी लेना है और जानकारी को व्यर्थ खर्च अपना समझें क्योंकि ठीक है जो भी आपको ट्रेंड करेंगे वैसे तो आर द्वारा हर ज़िले में दिया दिया जा रहा है हर राज्य के ठीक है ए, उसमें एक उम्र का लिमिट है कि 18 साल से 45 साल तक के ही लोग ले सकते हैं और बी वालों को पहले मौका दिया जाता है यानी जिनका राशन कार्ड में नाम है उनको पहले मौका प्राथमिकता उनको दिया जाता है ट्रेनिंग का तो ठीक है किसी कारण बस आप उनमें उस, उस सरकारी संस्था में अगर आप ट्रेनिंग ना ले पा रहे हो तो प्राइवेट संस्था भी बहुत लोग का चलता है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो जब करने का मूड आपने बना लिया है तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करें ये हो गया जैसे मेरा पिछले अभी ये बीस तारीख से मेरा एक बैच चल रहा था जिसमें मैंने लोगों को ट्रेनिंग दिया बहुत लोग आके ट्रेनिंग लिए और ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे डीपली बातों को बताया गया एक, एक पहलू को उनके सामने रखा गया तो इस तरीका से बकरी पालन में आपको ध्यान दे के कहीं से भी प्रॉपर जानकारी लें उसके बाद ही बकरी पालन करें जैसे ट्रेनिंग के दौरान जितने लोग आए मेरे पास आए आए थे उनको मैंने ट्रेन किया अपना एक्सपीरियंस ट्रेन ट्रेनिंग होता क्या है जो आदमी पहले से कर रहा हो जो जिस तरीका से समस्याओं को फेस किया हो आने वाले जो मुसीबत आया हो उसको उसने चेस किया हो उससे लड़ा हो और उसको उसने अपने अनुभव आधार पर उसको बचाया हो तो जो उसको अनुभव हाथ लगा उसके वही आप सामने वाला को देता है वही एक ट्रेनिंग है उसके बाद होता क्या है कि अगर आप वो सब चीज़ जानकारी आप ले लिए हैं तो बाद में आपको करने में बहुत आसानी होगा आपको छोटी मोटी समस्याओं के लिए किन्हीं के पास जाना नहीं पड़ेगा और आप मज़े से बकरी पालन कर पाएंगे तो ट्रेनिंग तो एक अलग विकल्प है करना ही है लेकिन अगर आप साधन आपके पास ना हो जैसे दलहनी चारा या हरे चारे जो भी मैं बताया या फिर आपके पास टाइम ना हो उतना समय देने का तो बकरी पालन में आकर ना फंसें क्योंकि आप ट्रेनिंग लेंगे तो हम हैं या कोई भी है उनका तो पैसा बन जाएगा वो तो लेंगे ही लेंगे लेकिन बाद में आपका काम नहीं बनेगा कारण है कि आपके पास जो साधन है वो कम है तो फिर बकरी पालन आप नहीं कर पाएंगे नौजवान लोग जोश में आके कर पा रहे हैं बस उनको ये दिख रहा है कि इतना कर लेंगे तो इससे इतना हम मेरा बन जाएगा इतना मैं पैसे वाला हो जाऊँगा लेकिन पैसे वाले बनने के पीछे कितना उनको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए वो तैयार रहें और सबसे बड़ी बात जो साधन साधन मैं चिल्ला रहा हूं बार बार तो बिना साधन का तो नहीं चलेगा नहीं तो फिर आपका इतना बहुत दूर से अगर आप लाते हैं तो इतना ज़्यादा खर्च आपको आ जाएगा कि फिर आपको बकरी पालन में कोई फ़ायदा ही नहीं समझ में आएगा तो फिर जो आप जमा पूंजी आपने बहुत पहले से जमा करके रखा है किसी भी व्यवसाय के लिए और वो पैसा बकरी पालन में आप फंसा दे रहे हैं तो फिर आपका वो डूब जाएगा जो कि बाद में रिकवर नहीं होगा तो ब्रीड का चुनाव कैसे करें कम बकरियों कम ब्रीड का चुनाव कैसे करें और कम खर्च में बकरियों को कैसे खिलाएं तो उसके लिए तो कम खर्च में बस एक ही विकल्प है कि आपके पास वो साधन होने चाहिए लुभावने वीडियो देखकर ना फंसे मैं हूँ चाहे कोई भी हो और मेरा बस मैं किसान हूं तो मेरा एक सपना यही है कि आप लोग कम से कम ना फंसे और जब आपके पास साधन जो जितना मैंने बताया उतना साधन आपके पास हो तो प्रॉपर जानकारी लेके आएँ हाँ जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि ट्रेनिंग मेरा बीस तारीख से चला था जो चौबीस को ख़त्म हुआ लेकिन आज पच्चीस तारीख है तो ट्रेनिंग लेके सभी लोग तो चले गए अपना अपना ट्रेनिंग उन सबका संपन्न हुआ और ट्रेनिंग लेने के बाद सब लोग अपना प्रस्थान कर गए लेकिन एक मेरे भाई रुक गए हैं कि उनको उनको क्योंकि उनका टिकट जो था और टिकट उनका आज पच्चीस तारीख रात को है यानी आज रात को जाएंगे। तो रुक गए हैं तो बाकी लोग तो चले गए हैं लेकिन ये बंगाल के हैं तो मैं इनसे एक बार पूछूंगा कि ये ट्रेनिंग लेने आए हैं तो क्या सोच के मेरे पास पहुंचे? और ट्रेनिंग से पहले क्या सोच रहे थे और ट्रेनिंग के बाद इनके मन में अब क्या चल रहा है क्या ये सही से बकरी पालन कर पाएंगे या क्या उनको ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं जो भी मैं इनसे पूछूँगा तो आप अपना नाम बता दें और आप ये बताएं कि यहाँ तक मेरे पास जो आए तो आपको कैसे पता चला चला कि मैं आपको ट्रेनिंग देता दे सकता हूँ या फिर मेरा ट्रेनिंग इतना तारीख से चल रहा है कैसे पता चला आपको देखिए पहले तो हम बहुत सारा वीडियो देखे देखें यूट्यूब में उसके बाद पहले हमको ये भी सोचना था कि हम किसके पास करना है किस कैसे करना है हैं उसके बाद जब हम सर, सर के जो वीडियो देखें उसके बाद अच्छा लगा कि हम सर से सर ही से ट्रेनिंग लें तो अच्छा होगा तो उसके बाद हम उसका व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट किए हैं तो हमको बोला गया ठीक है हाँ आ जाओ हूँ उसके बाद हम यहाँ आए ट्रेनिंग भी अच्छा लगा तो टिकट मेरा आज का है मगर आज एक दिन पह, बाद का तो यहाँ पर रहने में कोई तकलीफ नहीं हुआ मेरा खाना भी मिला हाँ हम रहे भी यहाँ पे तो जो अभी हम जब ट्रेनिंग पूरा कम्प्लीट हो गया मेरा तो अभी हम सोच रहे हैं कि ये हमको कोई दिक्कत नहीं होगा जैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं पूरा मैं तो जान रहा हूँ लेकिन आप अपने मुँह से बता दें अपना आप कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ से यहाँ आए हैं ट्रेनिंग लेने वो अपना एड्रेस बताएँ आप देखिए हम तो बंगाल का हैं तो मेरा गांव है बांकुड़ा मगर जब हम फार्म करने चाह रहे हैं वो कलकत्ता में है हाँ कलकत्ता वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हम फार्म करेंगे मैंने आपको क्यों ऐसा लगा कि उमेश कुमार कुशवाहा से ही ट्रेनिंग लेना है जबकि मैं तो कोई मीठा लुभावना बातें कभी बोलता नहीं हूँ मेरा बोलने का तरीका आप क्लास में भी देखें मैं कड़ा लहजा ही इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं सीधे मैं जानता हूँ कि हम लोग किसानी करने जा रहे हैं एक फार्मर हैं तो फार्मर की तरह रवैया होना चाहिए मेहनत के ऊपर एक जज्बा होना चाहिए तो क्या आप मेरे में देखे जो मेरे पास ट्रेनिंग लेने आए और क्या जो देख के आए थे जो सोच के आए थे उतना आपको मिला और क्या सोच के मेरे से ट्रेनिंग लेने के लिए जो कि इतना महारथी लोग ट्रेनिंग देने के लिए फील्ड में उतरे हुए हैं जो तो फिर मेरे से ही क्यों आप ट्रेनिंग लेने के लिए अपना मन बनाएं इसके पीछे क्या रीज़न है देखिए हम बहुत सारा वीडियो देखें तो बहुत सारा सर जी जो हैं वो अलग अलग तरह से हमको समझाते हैं ठीक है तो हम जरूर सर जब जितना सर के जो ट्रेनिंग का वीडियो है वो भी हम देखें तो उसका बाद सब, सब कुछ डिसाइड करने के बाद हम सोचे नहीं उमेश सर जी हैं ऐसा है जो पूरा डिटेल से समझाते हैं हाँ और जब ट्रेनिंग करने के बाद अभी हमको मालूम है मालूम मल, हुआ क्योंकि हम सही जगह में हम आए हैं और इसके बाद हम हर्मी में कोई तकलीफ नहीं होगा मेरा जिसे आप तो हिंदी बहुत कम जानते हैं बोल ले रहे हैं लेकिन समझ भी लेते हैं एक हद तक लेकिन आप पूरी रूप से बंगला बोलते हैं हाँ। तो क्या बंगला आपको हिंदी के वजह से कोई क्लास लेने में या सीखने में प्रैक्टिकल के दौरान कहीं भी मेरे शब्दों से कोई भी परेशानी आपको हुआ देखिए जब हम बंगाली हैं पूरा तो हमको हिंदी में समझ में आता है मगर देखिए जो जब कभी भी हमको थोड़ा तो सा तकलीफ़ हुआ हम सर से पूछे वो हमको डिटेल से समझा दिया कि कोई जो जैसा हर किस जो मीनिंग होता है वो हमको ऐसा समझा दें कि हम उसको बांग्ला में नोट कर सकते हैं साथियों मैं बिल्कुल एक देहाती इंसान हूं और मैं कभी दिखावा के जीवन तो जिया ही नहीं तो जो बिल्कुल देहाती लैंग्वेज होता है जो किसान समझ पाए उसी लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करता हूं ट्रेनिंग के दौरान क्योंकि यहां से जाने के बाद उनको कोई जॉब के लिए तो फार्म भरना है नहीं इससे ट्रेनिंग के संबंधित इन्हें फार्मिंग करना है तो वो डीपली चीज़ें उनके अपने समझ पा समझ पाएँ उन उस भाषा में मैं बता पाऊं तो इसके लिए ही मैं पूरा प्रया प्रयासरत रहता हूं और एक एक आदमी जो किसी भी क्षेत्र के आते हों उनको मैं अगर वो पूरी रूप से बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो अलग से टाइम देके मैं उनको समझाने का कोशिश करता हूं और वो जब तक समझ न लें वो कंफर्म ना हो जाए संतुष्ट न हो जाए जब तक मैं समझाता हूँ तो ये मेरे भाई थे आई रुक गए तो चलिए मैं बाकी यूट्यूबर जो इंटरव्यू लेते हैं उस तरीक़ा से इनका भी मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया है तो फिर एक बार कहूँगा कि आपके पास संसाधन हो मेहनत करने का जज्बा हो और पूंजी हो और आप पूरा टाइम दे पाएँ बकरी पालन में क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है तो इसमें पेशेंस रखना होता है तो यदि आपके पास पेशेंस है तो ही ट्रेनिंग कहीं से जा तो ही बकरी पालन में आए और बकरी पालन में आने से पहले चूंकि एक तो वैसे ही मेहनत वाला बिजनेस है संसाधन रहे तो ही करें उसके बाद भी अगर आप सब चीज़ होते हुए भी अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आपको बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से आप प्रॉपर जानकारी लें ट्रेनिंग लें ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसके साथ ही एक ग्रुप में जहां आप ट्रेनिंग ले रहे हैं ग्रुप बनेगा आपका जो एक दूसरे को आपका परिचय भी बनेगा एक्सपीरियंस साझा एक दूसरे से लोग करेंगे तो ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है मैं समझता हूँ लेकिन ये नहीं कि सिर्फ मेरे से ही कहीं से भी सरकार द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है वहाँ से आप लें या प्राइवेट में कोई भी विशेषज्ञ हो जो आपको जजते हो कि आपको, आपको समझा सकें वो क्या है ना है उससे मतलब नहीं है बस वो आपको समझा सकें उनका समझाने आपको ऐसा लगे उनको देख के कि ये मुझे समझा सकते हैं तो वहाँ से कांटेक्ट करें, करें और उनसे कांटेक्ट करें और प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ही फार्मिंग में आए तो बस मुझे यही कहना था नमस्कार दोस्तों प्रणाम